हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरी जैकेट वाला वीडियो इतना पसंद किया। कल का जो मैंने वीडियो डाला था कल जैकेट का, आप लोगों ने इतना पसंद किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर अभी आई बटन पे आप लोग देख सकते हैं, वो जैकेट बहुत ही खूबसूरत है। बहुत सारे लोग उस जैकेट को पसंद कर रहे हैं तो ऊपर आई बटन पर यहाँ पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। तो बहुत सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत कम ऊन में बन जाती है, बहुत खूबसूरत जैकेट है। अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखें। तो आज मैं आप लोगों के लिए इतनी खूबसूरत सी डिज़ाइंस लेकर आई हूँ दो कलर में। मुझसे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मैम आपकी डिज़ाइंस बहुत अच्छी लगती है, दो कलर में कोई अच्छी अच्छी डिज़ाइंस बताएं। तो आप लोगों के लिए मैं डिज़ाइंस लेकर आई हूँ, बहुत ही अच्छी डिज़ाइंस है, सरल बहुत है, बहुत ही ईजी है बनाना, आप लोग आसानी से इसको बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं वाइट और पिंक कलर का कॉम्बिनेशन रखा है मैंने। देखिए सबसे पहले मैंने दो फंदे पिंक कलर से बना लिए हैं। अब क्या करेंगे, वाइट कलर की ऊन को लेंगे, इस तरीके से आगे कर देंगे, ठीक है। अब देखिए वाइट कलर की ऊन हमने आगे छोड़ दी, अब देखिए हम पिंक कलर की ऊन से बुनेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। देखिए सात फंदे मैंने पिंक कलर की ऊन से बुन लिए। अब मैं वाइट कलर की ऊन को पीछे इस तरीके से ले जाऊंगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर दो फंदे फिर से पिंक कलर की ऊन से बुनूंगी। अब फिर देखिए हम वाइट कलर की ऊन को फिर से आगे करेंगे हम। देखिए दो फंदे मैंने बुने हैं, फिर से आगे किया। अब फिर हम सात फंदे पिंक कलर की ऊन से बुनेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। देखिए सात फंदे बुन दिए। अब फिर हम वाइट कलर की ऊन को पीछे ले जाएंगे और फिर हम दो फंदे पिंक कलर की ऊन से बुनेंगे। देखिए इस तरीके से बुनेंगे। अब फिर हम ऊन को आगे करेंगे वाइट कलर की ऊन को और फिर हम सात फंदे पिंक कलर की ऊन से बुनेंगे। तो इस रो को ऐसे ही कंप्लीट करना है। आप जितने भी फंदे डालना चाहते हो उतने डाल लें और इस रो को ऐसे ही कंप्लीट करना है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपनी फैमिली फ्रेंड सबके साथ शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत प्यारे प्यारे आप लोग कमेंट करते हैं, मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो कमेंट जरूर करें, लाइक ज़रूर करें। और मेरा आने वाला वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें, उस वीडियो को ज़रूर देखें जो मैं कल वीडियो शेयर करूँगी, ज़रूर देखें। आप लोगों के बहुत काम की चीज़ है, बहुत ही खूबसूरत है। तो मैं उसका वीडियो कल आप लोगों के साथ अपलोड करूँगी, शेयर करूँगी, तो वीडियो ज़रूर देखें, बहुत ही प्यारी है। जो भी मैं डालूँगी अभी मैं नहीं बताऊँगी, और आप देखेंगे तो आप खुद कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी आपको। देखिए इस रो को ऐसे ही कम्प्लीट कर लेंगे, सात सात फंदे में डिजाइंस बना रही हूँ मैं। आप इस डिजाइंस को पांच फंदे में बना सकती हैं, सात फंदों में बना सकती हैं, नौ फंदों में बना सकती हैं, इस टाइप से फंदे डालें, ठीक है। तो अब लास्ट के फंदे भी हम इस तरीके से बुन लेंगे, इस तरीके से। देखिए देखिए इस तरीके से बुन रही हूँ। तो छोटा सा वीडियो है, कट बिल्कुल ना करें। देखिए राइट साइड से हमने फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली है, सेकंड रो में क्या करना है आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए फर्स्ट रो होगी, अब सेकंड रो में क्या करेंगे, देखिए जो फंदे हमने दो बुने थे उसको हम उल्टा बुनेंगे, ठीक है। दो फंदे उल्टे बुन लिए, अब देखिए क्या करेंगे, सॉरी मेरे पास तीन फंदे बचे थे लास्ट के, इसलिए तीन फंदे मैंने बुने हैं। अब देखिए ऊन को हमने वाइट कलर के ऊन को आगे कर दिया, अब सात फंदे हम बुनेंगे। देखिए देखिए सात फंदे बुन रही हूँ मैं, जैसे हमने लिए थे सात फंदे बुनने के बाद। अब देखिए ऊन को पीछे कर देंगे, जैसा हमने अभी आगे से बनाई थी डिजाइन सेम वैसी ही हमें पीछे से बनानी है, ठीक है। रॉन्ग साइड से भी हमें वैसी ही बनानी है। दो फंदे अब लेंगे, देखिए वन, टू। देखिए दो फंदे ले लिए, अब वाइट कलर के ऊन को आगे कर देंगे। अब देखिए फिर हम सात फंदे बुनेंगे, एक, देखिए इस तरीके से। तो आपकी डिजाइन इस तरीके से आ जाएगी। देखिए दो बार अभी आपको दिख रहा है वाइट कलर की ऊन, दो बार आपको दिख रही है, इस तरीके से हमें छः बार करनी है, छः बार कंप्लीट करनी है, ऐसे ही बनाना है। देखिए अभी एक, दो है, इसको हमें छः बार ऐसे ही बुनना है जैसे अभी हमने बुना था, सेम वैसे ही बुनना है। देखिए दो फंदे पहले बुनेंगे, फिर
फिर ऊन को आगे करेंगे इस तरीके से, फिर 7 फंदे बुनेंगे। देखिए इस तरीके से बुनेंगे 7 फंदे, फिर वाइट कलर की ऊन को हम पीछे करेंगे, ठीक है। देखिए 6 बार हो गए हैं, आप लोग देख सकते हैं 6 बार हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बस थोड़ा सा ध्यान देना है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइंस आपके पास बन जाएगी, बहुत प्यारी डिज़ाइंस है, बहुत अच्छी लगती है। आप किसी भी कार्डिगन में इसको डाल सकते हैं, बच्चों के, बड़ों के, किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं, बहुत ही प्यारी लगती है। आप जेंट्स स्वेटर्स में भी डाल सकते हैं, बट कलर का थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना होगा। अब देखिए जो 7 फंदे हमने बुने थे इसको हम कैसे बुनेंगे, पहले हम 3 फंदे बुन लेंगे, 1 2 3। देखिए 3 फंदे बुन लिए, अब जो चौथा फंदा है बीच का, इसमें हम इस तरीके से निकालेंगे फंदे को इन सबके अंदर से। देखिए फिर से देख लीजिए, इस सबके बीच में से इस तरीके से निकालेंगे हम, इसको हम सीधा बुन देंगे। देखिए सीधा बुन दिया, उस फंदे को उतार देंगे। देखिए सीधा बुनने के बाद इसको इस पर चढ़ाया, ठीक है, अब इसको हम सीधा बुन देंगे, इस तरीके से चढ़ाएंगे, इसको हम पिंक कलर की ऊन से बुन देंगे, ठीक है। अब बचे हुए 3 फंदे जो हैं वो भी हम सादा बुन देंगे, देखिए सीधे बुनेंगे। जो 3 फंदे हमारे पास बच गए हैं उसको, तो टोटल हमारे पास 7 फंदे हो जाएंगे। देखिए 3 पहले हमने बुने थे, फिर बीच में एक बनाया था, फिर 3 फंदे ये बुने हैं, तो टोटल हमारे पास 7 फंदे हो गए। फिर हम बीच के 2 फंदे बुनेंगे सादा, देखिए 2 फंदे बुन के। अब इसमें हम 3 फंदे बुनेंगे पहले, और फिर चौथे फंदे में सेम डिजाइंस बनानी है। देखिए 1 2 3, 3 फंदे बुन दिए, अब चौथे फंदे में हम फिर से इस तरीके से करेंगे। देखिए इन सब के बीच में से निकालेंगे, देखिए इस तरीके से निकालेंगे, अब इस फंदे को इस पर चढ़ाएंगे, इस तरीके से चढ़ाएंगे, अब इसको सादा बुन देंगे, सीधा बुन देंगे। देखिए इसको इस तरीके से चढ़ाएंगे और इसको सीधा बुन देंगे। अब बचे हुए 3 फंदे हैं वो भी हम सादा बुन देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से डिजाइंस आपकी बनेगी, बहुत प्यारी डिजाइंस है। अभी मैं आपको थोड़ा सा और बताती हूँ, देखिए एक बार और देख लीजिए। देखिए पहले हम 2 फंदे बुनेंगे सादा, 1 और 2, देखिए 2 फंदे बुन लिए। अब पहले हम 3 फंदे बुनेंगे इसमें, 1 2 3, 3 बुन लिए। अब जो बीच का जो फंदा है चौथा फंदा, ठीक है, चौथे फंदे में हम इस तरीके से डालेंगे, इसको सीधा बुना और इसको इन सब के बीच में से निकाल लिया, इसको सलाई पे इस तरीके से चढ़ाया, इसको सादा बुन देंगे। देखिए देखिए इसको सादा बुनेंगे, और जो फंदा इसका है वो हम निकाल देंगे, जो हमने इन बीच में से निकाला है वो फंदा उतार देंगे। अब देखिए बचे हुए 3 फंदे जो हैं हमारे पास उसको भी हम सादा बुन देंगे, सीधे फंदे। जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। हो सकता है अभी आपको दिक्कत लग रही हो, आपको हो सकता है समझ में ना आ रही हो, बट जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। और बहुत ही खूबसूरत है, इजी बहुत है, सरल है एकदम से, आप बना सकते हैं। तो देखिए इस रो को ऐसे ही कम्प्लीट करेंगे, रॉन्ग साइड को रॉन्ग बुनेंगे पूरा हम, और फिर देखिए रॉन्ग साइड को हम पूरी रॉन्ग बुनेंगे। डिजाइंस बनाने के बाद सिलाई को हम रॉन्ग पूरा बुनेंगे, रॉन्ग साइड को। तो अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हर रोज़ एक नई वीडियो डालती हूँ। बहुत सारे लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है, तो हो सकता है आपको भी पसंद आए, सब्सक्राइब जरूर करें। अभी देखिए मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं, बट जितने भी हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, मुझे उनकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। तो आप लोग भी सब्सक्राइब कर लें, आपको हर रोज़ एक नई वीडियो मिल पाएगी। और अगर आप लोग ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो अभी मेरा चैनल ओपन करके वहाँ से सारी वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए अब मैंने फिर से 7-6 सलाई बुन ली है इस तरीके से, अब फिर से डिजाइन इसी तरीके से बनाएंगे। देखिए देखिए इस तरीके से फिर से बना रहे हैं हम। 3 फंदे बुनने के बाद चौथे फंदे में हम डिजाइंस बनाएंगे। देखिए अब बाकी जो बचे हुए फंदे हैं 3, उसको भी बुन देंगे, 1 2 3, तो टोटल हमारे पास 7 फंदे वापस हो गए। अब फिर 2 फंदे हम बुनेंगे, 1 2, देखिए 2 फंदे बुन दिए। अब फिर हम इसमें 3 फंदे पहले बुनेंगे, 1
दो, तीन। देखिए तीन फंदे बुन दिए, चौथे फंदे में फिर से हम सेम करेंगे, इन सबके बीच में से निकालेंगे और इस तरीके से इसको उतार दिया, इसको इस पर चढ़ा दिया। देखिए इसको इस पर चढ़ा दिया, अब इसको सादा बुन देंगे, इस तरीके से चढ़ाएंगे और इसको बुन देंगे। देखिए इसको हमने बुन दिया है, अब ये तीन फंदे जो हमारे पास बचे हैं उनको हम सादा बुन लेंगे। तो इसी तरीके से आप डिज़ाइंस बनाएंगे तो पूरे स्वेटर्स में बहुत प्यारी डिज़ाइंस लगी। देखिए आप लोग देख सकते हैं बहुत प्यारी डिज़ाइंस है, बहुत सुंदर लगती है। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कर दें। अब मैं आपको मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में, अगली वीडियो ज़रूर देखें, बहुत ही प्यारी चीज़ है।